ऑल राइट तो आज के इस वीडियो का इंस्पिरेशन है जेंटलमैन मेरा आज नहीं एक्चुअली कल का दिल्ली टूर. आई मीन आई वाज इन दिल्ली में दिल्ली गया था कुछ काम से एक कैंपेन था तो फिर वहां पे मुझे बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स देखने को मिला बहुत सारे ब्लॉगर्स स्टाइल ब्लॉगर्स लाइफस्टाइल फैशन ब्लॉगर्स से मिलने मिला जो भी काफी कमाल कर रहे हैं काफी अमेजिंग कंटेंट बना रहे हैं. लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे कमाल फैशन आइकॉन्स भी मौजूद थे जिनसे मुझे भाई बहुत कुछ सीखने को मिला बहुत स्टाइल एंड फैशन. जी हाँ कुछ ऐसे चीज जो मैं चाहूंगा आप कभी ना सीखे आप अपने लाइफ में कभी ऐसी गलतियां ना करें. 5, 6 या 7 ऐसे बेकार स्टाइल मिस्टेक्स जो काफी यंग लोग करते हैं और मैं नहीं चाहूंगा आप अपने लाइफ में कभी भी करें. इसके बारे में इंग्लिश वाला शूट किया तभी 12:45 एंड I just got back from the airport. मैं अभी एयरपोर्ट से घर भी नहीं गया मैं ऑफिस आया हूँ ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ेगा अभी सो दैट आई सी यू स्टॉप मेकिंग दिस मिस्टेक्स फॉरएवर. चलो फिर शुरू करते हैं. जेंटलमैन मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य ये है मेंटल एसेंशियल्स हिंदी. लेट्स गो. तो जो सबसे पहला स्टाइल या फैशन मिस्टेक जो मैं देखता हूँ आजकल अधिकतर लोग करते आ रहे हैं करते आए हैं और पता नहीं कब तक करेंगे बिकॉज आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक दिस मिस्टेक पिछले 3 साल से मैं इस गलती की बात कर रहा हूँ लेकिन अब भी देख रहा हूँ ये लोग किए जा रहे हैं. वो है लोफर को सब चीज के साथ मतलब लोफर को सारे पैंट सारे शर्ट सारे कमीज के साथ पहनना. लोफर मतलब सूट हो जैकेट हो शॉर्ट्स हो पहनो. अग्रीड लोफर बहुत ही वर्सेटाइल जूता है मुझे मेरे लोफर्स बहुत पसंद है. मेरे पास टैन पेनी लोफर है वो आप सबको पता है मैं बहुत पहनता हूँ वो शू. मेरा ब्लैक लोफर यू हैवन सीन इट वीडियो आने वाले आई लव दैट शू एज वेल. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोफर पहन के हर जगह पे गंदा मचाऊंगा. इट जस्ट मेक्स नो सेंस क्योंकि देखो लोफर जस्ट लाइक एनीथिंग एल्स इज कट एंड मेड फॉर अ सर्टेन ओकेजन. आपका हर एक जूता एक पर्टिकुलर ओकेजन के लिए अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे जो लोग आए थे इन सबके पास पैसा है कि देखा भाई ऑफ द शूज इन सबके पास दूसरे जूते भी हैं. लेकिन स्टाइल और फैशन की समझ स्टाइल और फैशन की क्लासिक स्टाइल और फैशन की समझ आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट. अब देखो होता क्या है स्टाइल और फैशन का रूल बड़ा सिंपल है कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है. इसमें कुछ भी रूल नहीं है इसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है. द इजीएस्ट एंड द बेस्ट वे टू मेक स्टाइल एंड फैशन वर्क इन योर फेवर अगर आपको स्टाइल एंड फैशन को अपने लाइफ के इंप्रूवमेंट के लिए यूज करना है तो आपको कुछ ऐसे कपड़े पहनने आपको कुछ ऐसा स्टाइल फॉलो करना है जो आपके विजुअल एस्थेटिक्स को आपको दिखने में ज्यादा मैस्कुलिन या मैनली बनाए. आपके कंधे पर थोड़ा चौड़ा कर दे आपको थोड़ा लंबा बना दे आपको थोड़ा पतला दे बिग आर्म्स एंड ऑल दीस थिंग्स दैट विल मेक यू लुक लाइक अ मैस्कुलिन मैन एंड नॉट अ हिडियस अटेंशन सीकिंग मैन. फर्क है एक जिसको बस अटेंशन चाहिए कुछ भी पहनेगा लाल रंग का चश्मा पहन के घूमेगा और एक जो भाई कहीं पे घुसा तो लोगों को पता चलना चाहिए कि ये कौन आया भाई मतलब एक अच्छे वे में कौन आया मतलब यानी कि ये कौन आया दैट्स डिफरेंट ये कौन है दैट्स डिफरेंट हमें दूसरा वाला होना ये कौन है नॉट लाइक ये कौन है देयर इज अ डिफरेंस. प्लीज प्लीज डोंट बी दैट अनवांटेड अटेंशन सीकिंग गाय. लोफर पहन रहे हो यार आप सूट्स के साथ लोफर पहन रहे हो आप टक्सीडो के साथ वो भी स्वेड लेदर वाले लोफर जो बहुत ही कैजुअल लोफर्स होते हैं वो मेक दैट मिस्टेक. अगर आपको लोफर पहनना ही है तो पेटेंट लेदर जो शाइनिंग लेदर होता है उसका आपको पहनना पड़ेगा लोफर आपके सूट के साथ आपके टक्सीडो के साथ. उससे अच्छा है ऑक्सफोर्ड पहन लो बॉक्सर पहन लो कुछ भी आप पहन लो लोफर छोड़ दो एंड इट जस्ट ब्रिंग्स मी टू दिस पॉइंट वेयर आई एम लाइक यार लोग स्टाइल फैशन के बारे में इतना बोलते हैं लेकिन थोड़ा क्लासिक स्टाइल के बारे में क्यों नहीं जानते थोड़ा क्लासिक स्टाइल पे अपना टाइम क्यों नहीं स्पेंड करते थोड़ा स्टाइल का हिस्ट्री और लॉजिक समझने की कोशिश क्यों नहीं करते मतलब जो मन में आया जो मर्जी बना दिया वही हो गया इनका स्टाइल. दैट्स हाउ स्टाइल इज समथिंग वेरी पर्सनल. लेकिन यार आप साइंटिस्ट भी बनना चाहते हो इस चीज में तो साइंस का बेसिक तो होना चाहिए. इट जस्ट सेम थिंग अबाउट स्टाइल स्टाइल का कुछ बेसिक तो होना चाहिए क्योंकि देखो यही बेसिक चीज मुझे ले आती है स्टाइल मिस्टेक नंबर 2 पे. क्लासिक मेन स्टाइल का हाल बुरा करना क्लासिक मेन स्टाइल को रूइन करना. अगर आपको सूट पहनना नहीं है तो मत पहनो. अगर आपको सूट पहनने की तमीज नहीं है तो मत पहनो. अगर आपको पता ही नहीं है कि भाई सूट में क्या देखना चाहिए क्या कैसा होना चाहिए अगर आपको इन सब चीजों के बारे में कुछ अवेयरनेस नहीं है तो कुछ और पहन लो. देर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू यू कैन वेयर और आप बहुत अच्छे दिखने वाले उसमें. लेकिन अगर आप सूट वगैरह जब ऐसे कुछ चीज़ें पहनते हो विच डिमांड्स अ सर्टेन टाइप ऑफ रिस्पेक्ट एंड स्किल सेट टू रॉक एंड लुक अ सर्टेन वे तो प्लीज उसको सही ढंग से पहनो उसको सही ढंग से अपने लाइफ में अपने फैशन में यूज करो. अगर आप सूट पहन के अपने सूट के दूसरे बटन को बटन कर रहे हो तो फिर आपने सूट पहना क्यों. अगर आपने सूट पहन के उसमें पॉकेट्स वगैरह नहीं डाल रहे विच आर टॉकिंग अबाउट इन द लेटर बिट तो फिर आप सूट पहन क्यों रहे. मतलब फैशन ब्लॉगर्स फैशन कंटेंट क्रिएटर्स दे आर वेरी गुड एट देयर कंटेंट बट दे डोंट नो दैट कि आपके सूट जैकेट का लास्ट बटन हमेशा खुला रहता है आपके वेस्ट कोट का लास्ट बटन
हमेशा खुला रहता है, आपके डबल ब्रेस्टेड का लास्ट बटन हमेशा खुला रहता है, कोई भी सूट जैकेट फॉर्मल जैकेट पहन रहे हो तो आपका लास्ट बटन खुला रखना इज अ होल लॉट मोर विजुअली एस्थेटिकली प्लीजिंग। कोई स्टाइल रूल नहीं है ये, लेकिन दिस इज जस्ट व्हाट इट इज, विच विल मेक यू लुक अ होल लॉट मोर मस्कुलर। अगर आप एक बटन खोल के देखोगे तो जो सूट का फॉल होता है वो बदल जाता है, वो बदलता है तो आपकी बॉडी की जो पूरी डायनामिक्स है वो बदल जाती है, आप थोड़े और चौड़े, थोड़े और कमर से पतले, थोड़े और मस्कुलर, थोड़े और मस्कुलर और मैस्कुलिन दिखते हो। दैट्स द रीजन व्हाई यू आर सपोज्ड टू डू व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इन क्लासिक मेंस स्टाइल। अब इसका मतलब ये नहीं कि जॉगर्स और टी शर्ट्स का भी कुछ रूल है, लेकिन क्लासिक मेंस स्टाइल में कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो टू मेक इट वर्क इन योर फेवर। प्लीज क्लासिक मेंस स्टाइल अगर आप फॉलो करो, अगर आप सूट वगैरह कुछ पहन रहे हो, थोड़ा तमीज, थोड़ा बेसिक्स जान के पहनो, जान के समझो। अब तीसरी चीज, कमाल की चीज, क्योंकि भाई ये तो अब अलग ही लेवल है, नहीं तो एक्सेसराइजिंग करना नहीं है, मतलब कोई भी एक्सेसरीज पहनना नहीं है, एकदम प्लेन बिल्कुल बोरिंग सा लुक, नहीं तो फिर इतना सारा चेन और सोना डालना है कि भाई और ओवर एक्सेसराइजिंग योरसेल्फ टू द एक्सट्रीम को, चश्मा लाल टोपी लाल, मतलब टू मच और नथिंग, आई कांट फाइंड द मिडल। एक घड़ी पहन लो यार, चार पांच बेसिक चीजें, एक घड़ी पहन लो, कितना पहन लो, कितना टाइम लगता है, इट जस्ट एड्स अप टू योर पर्सनालिटी एंड टू योर स्टाइल। You can wear, you can have some nice pocket square with your suit jacket. अगर आप jacket पहन रहे हो, blazer पहन रहे हो, sports coat पहन रहे हो, suit पहन रहे हो, एक pocket square में आपको कितना मेहनत लगेगा, कितना टाइम लगेगा। You can have a nice bag, a nice leather bag for your office or for your college. How much time does this take? Yeah, this will be an expense, an investment to make. A mature bag नहीं बना, mature bag ना भाव। I want to buy a mature bag whenever you're looking at. Let me know. ये हमारा bag है, मैंने वाला मालूम तो वैसे से sample. But how much time did that take? थोड़ा money, थोड़ा पैसा, but it adds up to your style. And how much time or effort can things like these take? Simple सा bracelet हो गया, simple से कुछ अलग चीज हो गया, rings होंगे, these things are so much more classic, basic and yet very stylish at the same time. क्योंकि अब मेरा current favorite ये चल रहा है, क्योंकि मुझे ये suit के साथ पहनना बहुत पसंद है, काला bead with white gold lined. In case you want to know where can you buy this from, भाई हमारे ही bracelets हैं, tmbbracelets.com, हमारा packaging आ गया, this looks amazing, this looks epic, I'll show it to you. है क्या भाई? This is our, actually I have two boxes, ये हमारा premium line, this is our basic line, premium line is our brown beads and there's one more premium line, actually there are two more premium lines that are coming, one of them is in the making, ek abhi aa raha, that's pearl white bracelet, oh my god, amazing bracelet, jab bhi aayega stock mein aapko update mil jayega. The other one is grey, brown, black, aapko jo bhi neutral color chahiye hamare paas hai, kyunki main pata hai in sab bracelets ka importance, white, brown, black, grey, we have all of it, but the best part is, ये भी बात करनी होती, the best part is the unboxing, this is our minimal line, I'll show it to you. होता क्या है, you'll find a letter, this letter is for you, जिसका भी order है, अभी जिसका भी order है, ये चिट्ठी उनके लिए, मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि it's personal to them. अभी ये आता है आपके एक प्यारे से जूट बैग में, क्योंकि eco friendly and this is something I would want you to have to keep your PNB bracelets थोड़ा सा safe और थोड़ा सा प्यार से. This is our minimal line, the black white gold, the black white gold that I'm wearing right now, मैंने ये पहना भी है, और ये हमारा minimal line का packaging and what you get in. अब जब बात आती है premium line की, same box, same packaging, but there is something different in it. When you open up premium line boxes, you get the same letter, handwritten note for your whosoever has the order. And this is the premium line box. This is a premium line jute bag. अब premium line का jute bag दो कलर में आता है, एक ही अपना sand brown, दूसरा tan brown. क्योंकि ये रंग premium line के brown color के bracelet के साथ बहुत अच्छा लगता है. मुझे पसंद आया कि ये, मतलब this is something amazing. यार हमें ये ढूंढने में, हमें ये कंफर्म करने में करीबन 15-20 दिन लग गया था. सो यार, डू नोट दैट हमें आपके स्टाइल की चिंता है, हमें इस चीज का इंपॉर्टेंस पता है, एंड देयरफॉर आई वांट यू टू लुक योर एब्सोल्यूट बेस्ट सेल्फ. मिनिमल लाइन के जूट बैग में यू हैव इट इन ग्रे एंड यू हैव इट इन मरून, बोथ ऑफ देम लुक अमेजिंग विद अ ब्लैक मिनिमल ब्रेसलेट्स. दीस आर द पैकेजेस, इन केस यू वांट यू कैन गेट वन ऑफ दीस फॉर योरसेल्फ. अगर अभी आप देख रहे हो वेबसाइट पे स्टॉक नहीं है तो भाई आप थोड़ा लेट हो गए, बट डोंट वरी, हमारा दूसरा स्टॉक आ रहा है शायद मिड सेप्टेम्बर तक. तो अगर आप ये वीडियो मिड सेप्टेम्बर को देख रहे हो तो भी स्टॉक आ गया, अगर आप अभी देख रहे हो और स्टॉक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर आई एम सॉरी, बट द स्टॉक इज कमिंग वेरी सून. दिस इज माय टू ब्रेसलेट्स दैट यू कैन ऐड एंड वेयर अपने आउटफिट्स के साथ, अपने कॉलेज या ऑफिस या सूट के साथ, टू जस्ट स्पाइस अप योर स्टाइल गेम सो मच मोर. कुछ ज्यादा नहीं करना, कुछ कम नहीं करना, जस्ट कीप इट मिनिमल, कीप इट एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग, ताकि लोगों को पता चले कि भाई बंदा कौन है, इस बंदे में कुछ तो ऐसा है जो मुझे, मतलब आई वांट टू लर्न फ्रॉम हिम, क्या है इसमें, बेसिक थिंग्स दैट यू कैन डू दैट आई कैन डू हेल्प अदर पीपल सेल दिस इन इट. लेकिन देखो, बात यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि कहानी अभी बाकी है. तीसरा कमाल नहीं, चौथा कमाल का फैशन या स्टाइल मिस्टेक जो मैंने देखा अभी, काफी जन बड़े मजे से बड़े आसानी से कर रहे हुए हैं, बड़े मोटे बेहुदा भद्दे जूते स्नीकर्स पहन के अपना स्टाइल खराब करना. अब देखो, आपको स्नीकर पहनना है बड़ा वाला मोटा वाला, तो फिर प्लीज पहनो,
न्यून पहनो, पिंक पहनो, ऑरेंज पहनो, मगर उसके हिसाब से अपने आउटफिट्स को भी तो कॉम्प्लीमेंट कराओ। मतलब इफ़ यू आर वेयरिंग समथिंग दैट बिग, अगर आप 5 फुट 1 इंच के 50 किलो वाले इंसान हो या फिर 6 फुट 1 इंच के 50 किलो के इंसान हो पतले से, और अगर आप इतना मोटा जूता पहन लिया, देन हाउ इज इट गोइंग टू वर्क विद योर स्टाइल एनी विच वे? फिर वो आपको स्टाइलिश या फैशनेबल नहीं, फिर वो आपको कार्टून जैसा एक फीचर दिखाएगा। आई डोंट वांट टू लुक लाइक अ कार्टून कैरेक्टर, आई वांट टू लुक सुपर स्टाइलिश। अगर आपको बड़े मोटे जूते पहने हैं तो फिर आपको अपना स्टाइल भी उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, आपके कपड़े भी उस हिसाब से ढीले लूज टाइप होने चाहिए। एंड बेस्ट केस अगर आपको सही में बड़े मोटे जूते पहने तो आपको भी थोड़ा मोटा होना पड़ेगा, काफ़ी मोटा होना पड़ेगा फॉर दैट शू टू मेक एस्थेटिक सेंस इन योर और ऑन योर बॉडी, नहीं तो फिर ढीले कपड़े के साथ पहने। क्योंकि मैंने देखा लोग जॉगर्स और टी शर्ट्स, स्लिम फिट जॉगर्स, स्लिम फिट टी शर्ट, स्किन फिट जीन्स के साथ इतने मोटे मोटे शूज पहन रहे, आई डोंट नो फॉर व्हाट, वो भी अजीब अजीब रंग के पहनो यार, दैट्स अ वेरी अट्रैक्टिव थिंग टू हैव, दैट्स अ वेरी पीकॉकिंग थिंग टू हैव इन योर स्टाइल। मगर इसका मतलब ये नहीं कि लोग आपको कार्टून समझे, उसको अपने स्टाइल के एडवांटेज के लिए यूज करो। सो मेक श्योर एवरीथिंग एल्स इज न्यूट्रल, एवरीथिंग एल्स इज बिग एंड बैगी टू मैच योर शू इन दैट कॉन्टेक्स्ट। और प्लीज एक बात, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, इन सब शूज को सूट के साथ पहनना बंद करो। क्योंकि ठीक है ये स्टाइल आप जॉगर्स जीन्स के साथ कैरी कर सकते हैं, लेकिन सूट एक टेलर्ड चीज है, सूट काफी स्लिम चीज है, उसके साथ इतना मोटा जूता, इट जस्ट मेक्स नो सेंस। वो आपकी वही विजुअल एस्थेटिक वाली जो बात है, जो मास्कुलिन ट्रेट वाली बात है, वो बिगड़ गई तो फिर आपका स्टाइल नहीं रह जाएगा, फिर बस वो एक अटेंशन सीकिंग कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। एंड आई डोंट वांट यू टू बी इन दैट कैटेगरी, आई वांट यू टू बी अ स्टाइलिश इंस्पायरिंग कैरेक्टर, नॉट एन अटेंशन सीकिंग वियर्ड लुकिंग क्रिएचर। डिफरेंस समझो प्लीज अपने लाइफ में इस चीज का इंतजाम। लेकिन आप पांचवा और शायद से मेरा फेवरेट और मेरा किया हुआ स्टाइल मिस्टेक जो मुझे काफी टाइम लगा समझने में और जानने में, वो है कि भाई अपने ही कम्फर्ट जोन में पड़े रहना, अपने स्टाइल के कम्फर्ट जोन में पड़े रहना और कुछ नया कभी भी ट्राई नहीं करना। अब देखो मुझे इतने बड़े जूते पसंद है नहीं, मुझे ये कैजुअल वाला लुक कुछ खास समझता है नहीं, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विथ माई कैजुअल। अगर मुझे कैजुअल पहनना तो मुझे मेरे वी नेक, मुझे मेरे क्रू नेक, मुझे मेरे सॉलिड टी शर्ट्स, जीन्स और प्लेन जॉगर्स एंड शॉर्ट्स आर समथिंग दैट आई लाइक, मुझे ये पसंद है मैं ये पहनूंगा। मुझे इतने मोटे जूते और कलरफुल चीज़ें पहनना पसंद है नहीं, मैं करूँगा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने क्लासिक स्टाइल में भी कुछ नया एक्सपेरिमेंट ना करूँ, कुछ नई चीज़ ट्राई ना करूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस आउटफिट, यार मैं सूट के साथ ऐसे पुलओवर्स वगैरह जंपर्स कभी नहीं पहनता, मुझे लगता है यार ये सूट का लुक खराब करती है जो भी करती है। लेकिन आई लाइक टू वेयर पुलओवर्स इन जनरल, मुझे पुलओवर्स पहनना पसंद है, मुझे सूट्स पहनना पसंद है, तो फिर व्हाई कांट आई मिक्स देम बोथ विद माय फेवरेट जीन्स। मैंने काला जीन्स पहना आज और मैंने ये पुलओवर डाला दिस सूट जैकेट, ये स्पोर्ट्स कोट नहीं है, एक सूट का जैकेट, आई एम वेयरिंग इट लाइक अ स्पोर्ट्स कोट। ये ब्लैक कलर का पॉकेट्स का डाले, पॉकेट्स का एक्चुअली टाई है, बिकॉज पॉकेट्स का था नहीं, सो आई पुट हियर एंड आई मैच माय शर्ट। ये बेसिक सेटअप है, प्रो टिप याद रखना, अगर आपका पॉकेट्स पर आपके शर्ट को मैच कर सकता है ना, तो फिर आपकी स्टाइल कमाल नहीं होने वाली। इट्स जस्ट दैट मिनिमल थिंग, ये बेसिक चीज लोगों को पता नहीं, कोई बोलता नहीं, पता नहीं क्यों नहीं कोई बोलता, बट दिस इज द वेरी बेसिक्स ऑफ क्लासिक स्टाइल, मैच योर शर्ट विथ योर पॉकेट्स पर, नॉट योर टाई विथ योर पॉकेट्स पर। इसके बारे में हम बात कभी और किसी और वीडियो में करेंगे, तो भाई प्लीज अपने टाई को पॉकेट्स पर मैच करना बंद करो, मैच योर शर्ट विथ योर पॉकेट्स पर। बेसिक चीज है, मुझे दोनों पहनना पसंद है, बस मैं दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, आई ट्राइड इट एंड आई लाइक्ड इट। अब मैंने पहना, मुझे पसंद आया, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले, लोगों को पसंद आया, मगर ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने सोचा कि भाई मेरे अपने स्टाइल के कम्फर्ट जोन में मैं कुछ नया क्या ट्राई करूँ, मैं क्लासिक मेन स्टाइल के बारे में कुछ नया क्या, कोई नया लुक कैसे ट्राई करूँ, ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनसे मैं दूर भागता हूँ, एंड समथिंग्स दैट आई कैन एक्चुअली ट्राई एंड लर्न फ्रॉम। आई ट्राइड दिस, इट वर्क्ड। अब मैं स्टाइल को थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ, क्योंकि अब मैं स्टाइल और फैशन को एक टूल की तरह देखता हूँ, ताकि आई कैन यूज दिस इन माय फेवर टू मेक मी लुक कॉन्फिडेंट एंड स्टाइलिश ऑल द टाइम, एंड इट हैज वर्क एंड इट विल वर्क। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर चीजें ट्राई करते रहोगे अपने ही नीच में, तो देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर आपको कैजुअल क्लोथिंग पसंद है तो आप जाके सूट पहनो, कैजुअल में बहुत सारी चीजें जो आप ट्राई कर सकते, एक्चुअली कैजुअल हैज अ लॉट मोर थिंग्स इन फॉर्म्स, बट इफ यू आर इन द सूट्स एंड क्लासिक स्टाइल लाइक मी, यू कैन ट्राई आउट न्यू थिंग्स एज वेल। ट्राई करो, सीखो अपने आप को एक कंफर्ट जोन में स्टार्ट। teambasics.com as a basics for you. Both. I'm very proud of this. I'm very proud of my team for putting this thing together. In case you haven't, check karo teambasics.com ka pehla link. Aur agar ye video 24 tarikh se pehle online ho raha hai, to bhai evolve hone wala hai aur maza aane wala hai, kyunki evolve is our first bootcamp. Ek din ka bootcamp hai, eventually we'll have a 2-day bootcamp of evolve. Weekend ka bootcamp hoga, wale ki level ka hoga, lekin maza aayega. And then we'll have our in general TMB evolve ka mass, which will be a whole lot more. I have a lot of things planned, pretty excitement hai, thoda nervousness hai, but all of this is happening because of your continuous support. So thank you so much for believing in this idea that we are here to transform our lives, we are here to simplify things, and we are here to dress sharp, stay strong and stay stylish. So we'll keep doing that. Karte rahenge kaam,
आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, रात के 12 बजे फर्क नहीं पड़ता, घर जाके सोऊंगा भी नहीं फर्क नहीं पड़ता, मिलता अगले वजह में, ध्यान रखना, ख्याल रखना। माय नेम इज मयंक आचार्य, थैंक्स फॉर वॉचिंग PMBBasics.com, get yourself a bracelet, I'll see you next time.